अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरे किचन में मज़ेदार सा झटपट सा पास्ता। तो उसके लिए ली है मैंने 2 गाजर, जिसको जुलियन कटिंग में है, और है हरा प्याज और शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये सब हम वज़न ली है, और आधा पैकेट पास्ता जिसको उबाल लिया है, और ये है तंदूरी चिकन। ये चिकन क्यूब्स थे, इसको मैंने तंदूरी मसाला लगा के बस हल्का सा फ्राई कर लिया, समझे फुल डन कर लिया है चिकन को। और केचप तो इसमें लाजमी जाएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 खाने के चमचे तेल डालूंगी। अपना सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं हम, तो मैंने ये डाला है। उसके बाद मैं डालूंगी, ये मेरे पास 1 गड्डी प्याज है जिसका हाफ मैं डालूंगी। तो ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई। अब हम इसमें 2 गाजरें जुलियन कटिंग में ये डाल देंगे, और इसको अच्छे से हाफ डन होने तक पकाएंगे। हाफ डन करेंगे, फुल डन नहीं। ये हमारे पास होती हैं ओमान की गाजरें। चाइना गाजर भी मिलती है, लेकिन मैं चाइना नहीं लाई, लोकल वाली लेकर आई। हनिया भी चलाएंगी, स्वीट ना गया हनिया। ये है गाजर, तो हमने जूलियन कट कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा खड़ा हुआ सॉल्ट, साई टू ये हनी। ये देखें, ये सॉल्ट हाफ टीस्पून के करीब डाला है। ओनली 1 स्पून। और ये हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च। ये देखें, किसी भी काली मिर्च डालेंगे आटे पर, और सॉल्ट डाल के, और इसको हल्की आंच पे कवर कर देंगे। हाफ डन करेंगे गाजर को, क्योंकि गाजर देर से गलती है। नहीं, अभी कुछ नहीं डालेंगे, अभी इसके लिड लगा देंगे जी। अब हम इसको कवर कर देंगे। हम अब डालेंगे अपनी कैबेज। ये देखिए गाजर हमारी फुल। नेक्स्ट तो आलू। आलू नहीं, आलू। ये देखिए नहीं, गोश्त जी, चिकन टिक्की और छोटे चिकन। तो अब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम अपनी। ठीक है, कैप्सिकम डाल दी, यानी कि शिमला मिर्च। तो अब हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ही मिक्स हो जाए अच्छे से, कंबाइन हो जाएंगे। तो हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम अपने मसाले डालने शुरू करते हैं। इसमें जो है वो केचप डलता है थोड़ा, समझे 4 से 5 खाने के चमचे। इसका फ्लेवर ही केचप की वजह से आता है पास्ते। तो हम ये डालेंगे तेज़ आंच पे, इसको जब झटपट फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल पकाना नहीं है कि हम बहुत देर तक पका रहे हैं, बस अब मिक्स करेंगे। ये हमने डाली है ऑरिगेनो, ये डाली है हमने थाइम। ज़्यादा लग रही है आपको, लेकिन ये कढ़ाई बड़ी है तो इस वजह से, और मैंने 1/2 खाने का चमचा डाली है। खुशबू इसी से आएगी, थाइम ऑरिगेनो। ये सब डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे हम, क्योंकि इसमें मिर्च तो हमने डाली नहीं थी। ये देखें, ये 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हमने, चाय का चमचा, बहुत थोड़ा डाला है जैसे कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब अच्छे से मिक्स हुए। अब हमारी ये जो चिकन है, ये हमने मसाला लगा के फ्राई कर दी थी। कोई भी टिक्का मसाला लगा दें, या घर का ही कोई मसाला लगाएं, मैंने टिक्का मसाला लगा के फ्राई की थी इसको। ये हमारी डन चिकन है, इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, फुल डन चिकन है ये हमारी। ये देखें, ये हमारी चिकन बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। ये देखें, अब हम अपना पास्ता स्टार्ट करेंगे डालना। ये देखें, ये हमारा 1/2 पैकेट पास्ता था बॉयल, ये हम डालेंगे इसको, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
जी तो ये देखें, ये हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुका है, फुल ये रेडी है हमारा पास्ता। इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डालें, वरना ये बिल्कुल बेहतरीन है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको बंद कर देंगे। ये आपका पास्ता हो गया है रेडी। अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाइट सॉस बनाना। जी तो अब व्हाइट सॉस शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 खाने का चमचा तेल लिया है। उसके अंदर ही हम डालेंगे 1 खाने का चमचा मैदा, ज़्यादा मैदा नहीं डालेंगे, 1 खाने का चमचा। अब दूध डालेंगे। दूध हानिया मेरे साथ आज किचन में बहुत अच्छे से काम करवा रही हैं जी। अच्छे से हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये देखिए ये हमारा रेडी हो रहा है। ये देखें ये हमारा पास्ता स्टार्ट हो रहा है गाढ़ा होना। कुल थोड़ी सी व्हाइट सॉस डालेंगे। ये ज़्यादा व्हाइट सॉस नहीं डलती इस पास्ते में, बस एक फ्लेवर चीज़ी चीज़ी सा देने के लिए। मुझे थोड़ा थिक ज़्यादा लग रहा है तो मैं डालूंगी चीज़। ये मेरे पास है चीज़ जो फ्यूज़न चीज़ थी, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हम डालेंगे। जी तो ये देखें मैंने चीज़ डाली थी, ये चीज़ मेल्ट हो गई पूरी, मैंने समझे 100 ग्राम के करीब, बहुत थोड़ी सी चीज़ डाली थी, बहुत भर के नहीं, ताकि क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आ जाए इसमें। मोज़रेला चीज़ डाली थी मैंने। तो ये अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुकी है हमारी। ये देखें 1 चम्मच का बनेगा बस ये हमारा। जी तो ये देखें ये पास्ता जो हमारा रेडी था, इसके अंदर मैंने वो सॉस डाल दी है व्हाइट सॉस। इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।